कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा जारी दो दिनों के लॉकडाउन का पालन गोरखपुर में पूर्ण रूप से किया जाएगा, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शासन के निर्देश पर रविवार के साथ ही अब शनिवार को भी पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आवश्यक वस्तु पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगेगा, कोई भी व्यक्ति अपना परिचय पत्र दिखाकर अपना कार्य कर सकता है। उन्होंने कहा कि जनता लॉकडाउन का पालन करे और मास्क अवश्य लगाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, लॉकडाउन पहले रविवार के लिए घोषित किया गया था और उसकी सफलता को देखते हुए पब्लिक ने उसको सहर स्वीकार कर लिया है। उसको सैटरडे को और बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। सोशल डिस्टेंस मास्क कंपलसरी है, मास्क पर फाइन भी बढ़ा दिया गया है, 1,000 रुपये प्रथम बार पर और द्वितीय बार पर 10,000 रुपये का फाइन रहेगा। और जनहित में सबकी रक्षा के लिए आवश्यक होगा कि बगैर आवश्यकता के घर से ना निकले, बेहद आवश्यकता पे निकले वो भी मास्क लगा के निकले, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। सभी व्यापार बंधुओं से, सभी दुकानदारों से, सभी जनता के लोगों से अनुरोध है कि मार्केट में भीड़ भाड़ की स्थिति ना क्रिएट करें, किसी भी प्रकार से संक्रमण के कांटेक्ट में ना आए, अपने परिवार की और समाज की सबकी रक्षा करें। सर कितना सहयोग मिल रहा है पब्लिक का? पब्लिक का, गोरखपुर की जनता का भरपूर सहयोग है और अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है, लॉकडाउन को अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है।